वन प्लस की तरफ से धमाकेदार स्मार्टफोन्स आते ही रहते हैं और अब एक और नया लीक आ गया है कि वन प्लस की तरफ से आने वाला है नॉर्ड 2। नॉर्ड ने बहुत ही ज्यादा धमाल मचाया था क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन था और उस टाइम का वो सबसे सस्ता स्मार्टफोन था वन प्लस की तरफ से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड 2 के बारे में क्योंकि ये भी स्मार्टफोन आने वाला है बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर। लीक सामने आ चुके हैं क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, आज उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल टेकमोजो में, जहां होती है सीधी बात नो बकवास। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वन प्लस नॉर्ड 2 के अंदर हम लोगों को 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो आती है गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में। साथ ही इसके अंदर हम लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहां पर रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम हो गया है, एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का तो आज के टाइम पे मिलना चाहिए था। और डिस्प्ले के अंदर ही हम लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है वन प्लस नॉर्ड 2 की। साथ ही अगर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो रियर साइड में हम लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो आने वाला है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके साथ में 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स और देखने को मिल जाते हैं। यानी कि फोटोज तो आपकी चकाचक कमाल की आने वाली हैं। और साथ ही सेल्फी लवर्स के लिए बात की जाए तो यहां पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है जो पंच होल कैमरे के तौर पर आने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि बवाल मच जाएगा, अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है और बहुत ज्यादा फोटोग्राफी करते हैं तो मस्त सी फोटोज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर आने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर, यानी कि गेमिंग बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है। और पबजी तो इंडिया के अंदर आने ही वाला है तो दबा के इसके अंदर आप पबजी खेल सकते हैं और मस्त सी आपको यहां पर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, कोई भी लैग नहीं देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन होने वाला है 5G स्मार्टफोन, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि 5G आने के बाद भी ये सपोर्ट करने वाला है 5G को। और इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मिलने वाली है 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी, यानी कि इसे पावर अप करने के लिए 4500 mAh की बैटरी दी गई है और उसे चार्ज करने के लिए दिया गया है 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। यानी कि बस आप इस स्मार्टफोन को 1 घंटे के अंदर पूरा चार्ज कर पाएंगे और उसके बाद में 8 से 9 घंटे दबा के गेमिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को USB-C टाइप का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर पहले वाले OnePlus Nord की तरह ही 3.5 का जैक देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो ये ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 के बीच में लॉन्च होने वाला है। जितनी कीमत पे Nord लॉन्च हुआ था उसी कीमत पे ये आएगा। तो देखने वाली बात ये है कि अभी इंडियन मार्केट के अंदर किस प्राइस रेंज पर लॉन्च होने वाला है और क्या क्या इसके अंदर नए फीचर्स हो सकते हैं वो तभी पता चलेगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।